बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान में दरब्रेट किसान। अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। कराची वालों अलर्ट, शदीद सर्दी ने खतरे की घंटी बजा दी। जनवरी के किस तारीख से बारिशें होंगी कराची सिंध में, आज की वीडियो में इसके बारे में आपके सारे रिपोर्ट शेयर करूंगा। इस दौरान सबसे पहले बात करते हैं तो शदीद सर्दी ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में खतरे की घंटी बजा दी, लेकिन कब से, इस रिपोर्ट पर एक नज़र जिक्र करते हैं। सबसे पहले शहर कायद की तो हालिया काफ़ी दिनों से शदीद सर्दी की लहर जो जारी थी, इसकी शिद्दत में आज कुछ कमी आई है, जिसके बाद आज दिन के दौरान धूप की शिद्दत कुछ तेज़ देखने को मिली और साथ ही हवाओं की रफ्तार में भी कुछ कमी आज देखने को मिली। इसके अलावा मौसम इंतहाई खुशगवार और साफ रहा। इस दौरान सिंध के दीगर बड़े शहर जिसमें हैदराबाद, सखर, लारकाना, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो, शहीद बिनहैदराबाद, थरपारकर और दीगर कई शहरों में भी आज सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी देखने को मिली और धूप की शिद्दत तेज़, जबकि हवाओं की रफ्तार में भी आज कुछ कमी देखने को मिली। इस दौरान कराची सिंध वालों के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई, लेकिन कब से, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान एक और शदीद किस्म की सर्दी की लहर 8 जनवरी से बलूचिस्तान के रास्तों से होता हुआ मुल्क में दाखिल होगा, जो कि कराची से कश्मीर तक मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करेगा। इस सर्दी की लहर से कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा सर्द हवाएं चलने को तैयार हैं, जिसकी वजह से मज़ीद टेम्परेचर में कमी वाकई है। इसके अलावा सिंध के भी दीगर शहरों में भी शदीद सर्द हवाएं और यकबस्ता हवाएं एंट्री देने को तैयार हैं, जिसके बाद मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। याद रहे कि ये शदीद सर्दी की लहर 8 जनवरी के दौरान मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। इसकी मज़ीद अपडेट्स हम आपको बाद में शेयर करेंगे। अब बात की जाए तो बारिशों की तो किस दिन से कराची सिंध में बारिशें मुतवक्को हैं, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान 15 जनवरी के बाद एक बार फिर मगरबी बारिश बरसाने वाली हवाएं मुल्क में शिद्दत अख्तियार करेंगी, जिसके बाद ये मगरबी हवाएं मुल्क में बारिशों का सबब बनकर कराची से कश्मीर तक बारिशें बरसा कर रहेंगी। इस दौरान इंशाल्लाह जिसके बाद कराची समेत सिंध में भी ये हवाएं दाखिल होकर गरज चमक के साथ बारिशों का बायस बनेंगे। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में इंशाल्लाह दरमियानी सी तेज़ बारिश होने की तवक्को है और साथ ही सुबह सिंध के भी दीगर शहरों में गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश होने के इम्कान मौजूद रहेंगे। याद रहे कि अभी तक ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी है, इसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियाँ भी मुमकिन है। मज़ीद इसकी अपडेट्स हम आपको रोज़ाना रिपोर्ट में शेयर करते रहेंगे। मज़ीद वो योगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक मीन थंडरस्टॉर्म, बारिशों में मुतल्लिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मीट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।